पुछया, साढ़े यूथ ही गुरु पुछया, साढ़िया बेसिक एमिनिट हासिल की सी गुरु पुछया, ऐड एयर किता एयर किता, सानू सापे दी प्रॉब्लम होई अंदर रेल पे दी, सानू कुछ ना प्रॉब्लम हल कीती, 317 में साढ़िया गड्डियां पाया बुद्धि दा पाया लगेट दे दियां, ओ मुद्दा कुन चुकया, अगर रोड रोड ही बंदा रोड लुक नहीं सकते मुद्दा कुन चुकया, सारे डोमिसाइल पूरे टाइम ही नहीं बनते, सारे डोमिसाइल सानू मिलते ही, कोरोना कोरोन, मैं नहीं आखदा कि कोई नहीं खड़ो है, बट डिसाइड करना जनता ने, डिसाइड करना लोगों ने कि कौन बंदा कैपेबल है, कौन बंदा खड़ोई सकता, कौन बंदा खड़ोने के काबिल है कि नहीं है, ये तो लोग डिसाइड करेंगे। इंडिविजुअली तो मैं भी बोलिया कि मैं 20 बंदे के नाल 40 बंदे के नाल आइडिया शेयर किया कि मैं खड़ोना चाहता, यह सारे ताई एक गर्व की गल है, और ये गर्व अभी कमाया है, गोटे कसाई कमाया है, गल्ला कन्नै नहीं कमाया, अभी खाली गल्ला नहीं कीतियां, अभी एक्ट भी किते, अभी लोगों की सेवा भी की, अभी नौजवान कन्ने लिए भी चले, और यह रुतबा यह जरा रुतबा ग्राई अज इस लैवल पर आई है। अज तुम SSP कठुआ पुछो कि बरवाल का यूथ एक दिशा पकड़े रही है, SSP साहब की DC साहब की एक शब्दावली है कि नहीं बरवाल के यूथ ने अज अपनी तर्ज पर डिस्ट्रिक्ट कठुआ सूबे 7 एथलीट क्लब बनवाए ने, उसका क्रेडिट कुछ जाता बरवाल एथलीट क्लब ही जाता। नेहरू युवा केंद्र अगर डिस्ट्रिक्ट के कोई फंक्शन करवाता तो पहला इनविटेशन रिटर्न के बरवाल एथलीट क्लब ही आता, ना कुला रोशन होता बंडी पठानी का नहीं होता, ना रोशन होता बरवाल का, बरवाल वास्ते किया जो भी किया, इस धरती के उपर जमे रहा, इस धरती के उपर मरना है, इस धरती उपर ही मरना, मगर मरने को पहले कुछ ऐसा डिस्ट्रिक्ट कुछ बखरा काम करिए जाना कि जाने तो बाद लोग बोलन कि फलाना बंदा तो इस धरती का ये काम करिए गया। इस बताएंगे आज की मीटिंग का क्या मुद्दा रहा? देखिए युवराज जी, आपके चैनल के माध्यम से ये स्पष्ट करना चाहूंगा कि जैसे पिछले कल परिसीमन की जो रिपोर्ट है, जो उसकी ड्राफ्ट एक रिपोर्ट सबमिट की गई है 5 सांसदों को, तो उसका जो विश्लेषण है उसके आधार पर आज गांव बरवाल में ईस्ट वेस्ट और जनोर पंचायत से रिलेटेड उसके संबंधित उसी ड्राफ्टेड जो रिपोर्ट आई है उसके संबंधित इलेक्शंस को लेके, चुनावों को लेके, जो कि कमिंग टाइम में आने वाले समय में कभी भी हो सकते हैं, जैसे भी जो चुनाव आयोग है वो निर्धारित करेगा, तो उसी के चलते आज एक छोटा सा हमने यहाँ पे मीटिंग का प्रपोजल बनाया था और ये मीटिंग की आज गांव के जो भी सीनियर सिटीजन्स हैं, यंग यूथ है, जो हमसे छोटे बड़े जितने भी हैं सभी को बुलाया था, स्त्री वर्ग को छोड़ के, तो उसी के संबंध में कुछ चर्चा की है कि आने वाले समय में ये जो हमारा कठुआ नॉर्थ का जो कॉन्स्टिट्यूएंसी बना है, तो इसको किस तरीके से इसका नेतृत्व किया जाए कि जो इसका नेतृत्व करेगा वो कंडी बेल्ट से ही होगा या बाहर से होगा, तो गांव के लोगों ने मिलजुल कर सभी ने ये स्पष्ट किया है कि अगर आप कंडी बेल्ट का नेतृत्व करें तो हमको असीम खुशी होगी, हमको असीम प्रसन्नता होगी कि जिस सुचारू ढंग से हम कंडी का नेतृत्व करेंगे, विकास करेंगे, तो उतनी ही मुश्किलों का सामना कम करना पड़ेगा जी। क्या किसी पार्टी से आपकी कोई रूबरू कोई बात हुई है इसको चुनाव के बारे में? देखिए अभी चुनाव से संबंधित हमारा किसी भी पार्टी से कोई व्यवस्था कोई बात नहीं हुई है कि हम किसी पार्टी की तरफ से कोई चुनाव का परचम लहराएंगे या किसी पार्टी का झंडा पकड़ेंगे, अभी तो हम निर्दलीय हैं, तो आने वाले समय में जैसा हमारा समाज तय करेगा, जैसे हमारे लोग तय करेंगे, तो उसी तरीके से ही हम आगे की जो कार्यप्रणाली है उसको स्पष्ट करेंगे। क्या मैनिफेस्टो, क्या मैसेज रहेगा पब्लिक के? देखिए आपके चैनल के माध्यम से जोगराजी हम साफ बता दें, इस बात को स्पष्ट कर दें कि मुद्दे इतने हैं कि अगर गिनाना शुरू कर दें तो रात हो जाएगी, ठीक है, तो ये आने वाले समय में जैसे ही मैनिफेस्टो रिटर्न में हम इसको प्रसारित करेंगे या आपकी मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने की प्रक्रिया शुरू करेंगे, तो सबको पता चला जाएगा कि मैनिफेस्टो में कितने मुद्दे हैं जिनको आज की डेट में उजागर करने की जरूरत है। हम सभी लोग उन मुद्दों से भली भांति परिचित हैं, हम सबको पता है कि आज की डेट में किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हर एरिए का अपना अपना अलग अलग मुद्दा है, अलग अलग समस्या है, कंडी की अपनी एक अलग समस्या है, आंध्र जो प्रदेश है उसकी एक अपनी समस्या है, पहाड़ी लोगों की अपनी समस्या है। हम ये चाहते हैं कि अगर ये कंडी जो इन्होंने अलग करी है, जिसको इन्होंने कठुआ नॉर्थ का नाम दिया है कॉन्स्टिट्यूएंसी का, इसका नेतृत्व क्यों ना इस बार कंडी के लोग ही करें और कंडी का नेता ही करें। आपको क्या लगता है कि मौजूदा सरकार जो है लोगों को फैसिलिटी देने के लिए असमर्थ है? देखिए योगराज जी, इस बात पे कोई टिप्पणी करना या इस बात पे कोई स्पष्टीकरण करना कि मौजूदा सरकार किन लोगों को क्या मुहैया करवा रही है, किन लोगों को क्या मुहैया नहीं करवा रही है, लोग भलीभांति से जानते हैं
कि सरकार का क्या रूप रहा है और जो सरकार की कार्यप्रणाली है वो किस तरीके से चल रही है, वो सुचारू ढंग से चल रही है या नहीं चल रही है। आने वाले समय में लोग ही तय करेंगे कि वो उस कार्यप्रणाली से खुश हैं या नहीं है, या वो उसी तरह की कार्यप्रणाली आगे भी चाहते हैं या नहीं चाहते हैं।